हेलो। तो ये वीडियो कुछ डिफरेंट होने वाला भाई यूजुअल वीडियो, मतलब गेमिंग नहीं करेंगे आज हम लोग। अब मैं आप लोगों को अपना स्टोरी टाइम बताऊंगा, जो मेरे साथ बचपन में कुछ गलत हादसा हुआ है मैं उनके बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। अभी से मैं बोल देता हूँ भाई, लास्ट में मैं शायद भूल जाऊँ, तो अभी से मैं बोल देता हूँ भाई, आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है अभी आप लोग लाइक मत करना, बट आप लोग वीडियो देख लो भाई, उसके बाद आप लोगों को वीडियो पसंद आता तो भाई प्लीज़ लाइक कर देना भाई, नहीं पसंद आएगा तभी भी लाइक कर देना भाई। क्या क्या होता है आप लोगों का, तो भी भाई फटाफट जाकर लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना भाई, नौटंकी मत करो भाई, अभी सब्सक्राइब कर दो भाई, 1000 के बहुत ही करीब है। आप लोगों को फ्यूचर में अच्छा नहीं लगे कंटेंट तो डिसलाइक कर देना, मतलब अनसब्सक्राइब कर देना, बट अभी आप लोग प्लीज सब्सक्राइब करें भाई। तो आप लोग ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज शेयर भी कर देना। तो चलो, तो ये कहानी स्टार्ट हो रहा है 2015 में, जब मैं क्लास 7 में था और मैं बहुत शांत रहता था। ये क्लास 7 का नहीं, मैं बचपन से बहुत शांत रहता था, मैं बहुत शांत बच्चा था। मैं 1 से लेकर अभी भी मेरे को लोगों से ना मिलना जुलना नहीं पसंद था, मेरे को अपना अकेला रहना पसंद था। तो मेरे पीछे 2 बंदे बैठते थे, मैं उन लोगों का असली नाम तो आप लोगों को नहीं बोलूँगा, बट एक का नाम रख लेते राजू, एक बंदे का लोग नाम रख लेते टॉमी। तो भाई पता नहीं भाई टॉमी मैं क्या सोच कर रखा भाई, मेरे को कुछ ना अभी नाम याद नहीं आ रहा, तो हम लोग टॉमी रख लिए। आप लोग ये 2 नाम याद रखना भाई। नहीं। तो उसमें से जो टॉमी था ना, वो लोगों को बुली बहुत करता था, दो नहीं करते थे, बट जो टॉमी था ना भाई, वो खुल गए थे सबको बुली बुली करता था, और वो पढ़ने भी बहुत बढ़िया था ना, तो ऐसे टीचर लोग उसको इतना डांटते भी नहीं थे। टीचरों को समझ में आता था वो बुली कर रहे, बट वो बंदा पढ़ने में काफ़ी अच्छा था, तो लोग टीचर इतना बोलती नहीं थे उनको, बट वो स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा बुली करता था। और जो राजू था वो भी बुली करता था, बट वो पीछे से बुली करता था, मतलब किसी के कंधे पर रख कर गन चलाता था। तो एक दिन टॉमी को मन किया मेरे को बुली करने का, तो उसको मिल नहीं रहा था कुछ ऐसे बुली करने के लिए। तो मेरे क्लास मतलब मेरे स्कूल में एक टीचर थे, वो केमिस्ट्री के टीचर थे, उनका मेरे से बिल्कुल नहीं पता था, हम लोग उनका नाम रख रहे थे पप्पू। तो जो पप्पू सर थे उनका मेरे से बिल्कुल भी नहीं पता था, मतलब आप ये समझिए कि मैं हूँ और बहुत सारे स्टूडेंट हैं, तो मैं जैसे बंदे बगल मेरे बगल में जो भी बंदा है मैं उसे वो जरा सा पेंसिल ही मांग लूँ, पेंसिल भाई मैं पेंसिल दे दे, मेरे को टीचर डायरेक्ट बाहर निकाल देते थे, बोलते थे क्लास को डिस्टर्ब कर रहे, तुम पढ़ने नहीं दे रहे तो तुम बाहर निकलो। और पीछे में लड़का लोग आराम से पूरा अपना टिफिन का बात कर लिया, टिफिन में क्या लाया है, शादी का बात कर लिया भाई, टीचर उसको कुछ नहीं बोली। बट मैं जरा सा बंदे से पेंसिल या पेन मांग लो ना भाई, टीचर बौखला जाते थे। तो आप लोग समझ सकते हो भाई, उनको इतना वैसे नफरत था। तो वो जो सर थे ना पप्पू सर, तो उनका एक प्रॉब्लम था, वो पनिशमेंट देंगे ना तो भाई वो लोगों का बाल टांगते थे, वो खुद टक लेते, वो बच्चे लोगों को भी टकला करते रहते थे, वो ऐसा बाल टांगते थे ना भाई, जैसे कोई स्टूडेंट को बेंच उठाना चाहते ना भाई, ऐसा बाल टांग कर उठाते थे, ऐसा बाल टांग कर मारते थे भाई छप छप, तो ऐसा मारते थे ना भाई, बाल हाथ में आ जाते थे इतना तेज भाई बाल टांगते थे। वो पहली बात, जो टॉमी था ना वो उस टीचर का इतना फेवरेट स्टूडेंट था, टॉमी जो भी करते भाई उनकी वाइफ को मर्डर कर देना भाई, तभी भी टीचर कुछ नहीं बोलेगा, ऐसा टॉमी था उनका फेवरेट। तो वो टॉमी मेरा कंप्लेन कर दिया, और आप लोगों को तो मैं बताया उन टीचर को भाई मेरे से क्या ही नफरत था। तो भाई वो टीचर ने भाई मेरा लगा दिया, और उस दिन ऊपर से मेरा माथा भी काफ़ी दुख रहा था, और वो जो बाल लाना उससे मेरा माथा जो पेन हो रहा था वो और बढ़ गया पेन। वो जो माथा दुखने लग गया ना उसके बाद उनका जब क्लास खत्म हुआ तो मैं हेड डाउन होकर रोने लग गया भाई, बहुत ज़्यादा पेन होने लग गया था। और मैं उस तो वो जो बंदा था जो मेरा कंप्लेन किया टॉमी, मैं उसको भाई धमकी दे दिया भाई, क्लास टीचर का नहीं था, हमारी जो क्लास टीचर थी वो काफ़ी स्ट्रिक्ट थी बट काफ़ी अच्छी थी, वो मेरे को जानती थी कि भाई मैं ऐसा कुछ कर नहीं सकता भाई, वो जो भी कंप्लेन किया था जैसे मेरे को याद नहीं, बट वो कुछ तो कंप्लेन किया था भाई उल्टा सीधा मेरे को याद नहीं, बट टीचर को वो जो क्लास टीचर थे उनको पता भाई मैं ये चीज़ नहीं कर सकता, तो भाई मैं उसको धमकी दे दिया कि मैं तू तो गया मैं क्लास टीचर को कंप्लेन कर दूंगा। वो क्लास टीचर काफ़ी स्ट्रिक्ट थी तो उसका फट गया, और ऊपर से मैं रोने लग गया था भाई, बहुत पेन होने लग गया था तो मैं रोने लग गया। बट वो बंदे का एक अच्छा मतलब जो टॉमी था उस बंदे का एक खासियत था भाई, उस बंदे को हंसाना बहुत अच्छा आता था भाई, वो रोते हुए बंदे को हंसा देता था, ऐसा था वो। वो मेरे को हंसाने का ट्राई किया, मतलब मेरे को शांत करने का ट्राई कर रहा था, और वो मैं काबू कर रहा था कि मैं हंसू नहीं हंसू नहीं, बट फाइनली आपका भाई का सबर टूट गया, मैं सख बनने का ट्राई कर रहा था बट मेरा सबर टूट गया, मैं हंसने लग गया। तो उस बंदे से मेरा ऐसे ही बातचीत होने लग गया,
मेरे को लगा भाई मेरा उससे अच्छा दोस्ती हो गया भाई, मैं तो खुश हो गया क्योंकि मेरा ऐसा कोई दोस्त वोस्त नहीं था भाई, मैं अकेले आता था, मेरे को चाहिए था दोस्त, तो मेरे को लगा भाई वो उससे अच्छा खासा दोस्ती हो गया। तो यहाँ पे एंट्री होता है तीसरे बंदे का, हम लोग तीसरे बंदे का नाम रख लेते हैं मुट्टू। तो मुट्टू जो था आप लोग ये समझो, एक बंदा जो एक स्टूडेंट होता है वो स्टूडेंट को बिगाड़ता है, वो वैसा बंदा था। तो वो थोड़ा ठरकी लौंडा था और थोड़ा पॉन वॉन देखता है, आप लोग समझ गए भाई, जो स्टार्टिंग आते में पॉन का होता है वो उसको नया नया पता चलता सेक्स पॉन ये सब के बारे में, तो वैसा बंदा था वो देखता था, वो सबको ऐसे बिगाड़ता था। तो वो जो मुट्टू था वो एक दिन स्कूल में आकर स्टूडेंट को बोलने लग गया, मतलब उसका जो फ्रेंड सर्कल था उनको बोलने लग गया, आज मैं डंडी खाना गया था डंडी खाना, वो संग में डंडी खाने का एड्रेस भी दे रहा है। मेरे को पहली बात ये समझ में नहीं आया वो डंडी खाना गया था, ठीक है उसका मन उसका मर्जी, वो हमें क्यों बता रहा भाई वो गया था, वो संग में एड्रेस भी बताने लग गया स्टूडेंट को। भाई स्टूडेंट तो भाई बच्चे लोग तो पागल होते हैं ना भाई, वो एक स्टूडेंट को बताया, वो स्टूडेंट हर स्टूडेंट को बताने लग गया भाई, मतलब फैलते फैलते भाई मेरे पास वो बात आया। और भाई पता नहीं भाई वो जो टॉमी था जिससे मेरा बात होना चालू हो गया था, तो मैं बातचीत में उसको बोल दिया कि वो जो टॉमी है ना वो रेंडी खाना जाता है। और वो टॉमी इतना भयंचर कमीना था ना भाई, वो फिर मेरे को धमकी देने लग गया भाई, अब मैं टीचर को बता दूंगा भाई तू रेंडी खाना जाता है, तुम स्कूल में आके ये सब उल्टा सीधा बोलते भाई, मेरा काम फट गया भाई। मैं बोला भाई अब मैं क्या करूँ भाई, ये तो मेरा उल्टा नाम फंसा देगा भाई, मैं तो कुछ किया नहीं, मम्मी मेरे को घर से बाहर निकाल देगी, पापा मेरे को लात मार के बाहर निकाल देगा भाई, अब तो भाई मेरा कुछ नहीं होने वाला भाई। मैं उसके सामने रोने लग गया भाई, मत बोल प्लीज भाई मत बोल। बोला भाई कुछ तेरे को करना पड़ेगा भाई, कुछ देना पड़ेगा। अब बोला भाई मेरे को कुछ तो है नहीं भाई, मैं भाई उसको ये भी नहीं बोल सकता था भाई मैं तुमको एग्जाम में चीटिंग करवा दूंगा भाई, और मैं पढ़ने का भाई बिल्कुल बढ़िया नहीं था भाई, मैं उसको ये भी नहीं बोल सकता था। तो भाई उस दिन पता नहीं भाई उस दिन मैं टिफिन ऐसे मैं रोज़ टिफिन लेकर जाता हूँ, बट उस दिन मैं टिफिन नहीं लेकर गया और मम्मी मेरे को 20 रुपये दी थी, बोली थी बाहर से कुछ खा लेना समोसा वमोसा, तो 20 रुपये था, मैं उसको बोला भाई 20 रुपये तू ले ले भाई बट मत बोल। तो वो भाई बोला 20, और उसके संग वो कहीं टॉमी नहीं था, उसके संग वो राजू भी था, उसका जो पार्टनर था ना भाई उसके संग में जो बैठे थे वो राजू भी था। तो मेरे को टॉमी बोलने लग गया भाई 20 रुपये से क्या होता भाई, तू 100 रुपये दे तब कुछ होगा भाई, 20 रुपये से कुछ नहीं होता भाई, 20 रुपये में क्या ही आएगा भाई। मैं बोला भाई 100 रुपया तो मेरे पास मिलने वहाँ से रहा भाई, मम्मी कुछ देने वाली नहीं, मम्मी को हम क्या बोलूँगा घर जाकर 100 रुपये देना, और उसको मम्मी मेरे को 100 रुपये देती भी नहीं थी, मतलब 100 रुपये कहाँ नहीं भाई स्कूल में लेकर जाता है भाई। तो 100 रुपये मैं बोला भाई नहीं मिलने वाला भाई 20 रुपये से कम, तो वो भाई कैसे भी करेगा भाई 30 रुपये में माना भाई, वो बोला मैं मेरे को 30 रुपये चाहिए भाई, 30 रुपये अरेंज कर। वो बोला कि मेरे संग और एक और स्टूडेंट में एक और स्टूडेंट को भाई बोल दूंगा, वो मेरे सेक्शन का स्टोर का मैं जैसे सेक्शन ए में था वो बी में था, वो दूसरा स्टूडेंट उसका नाम लोग रख लेते टप्पू। तो वो बोला भाई मैं उसको भी बोल दूंगा, तो उसका मूव बंद करवाने के भाई तेरे को और 10 रुपये देना पड़ेगा, मतलब टोटल 30 रुपये देना पड़ेगा। तो मैं उसको बोला तो अभी तो तू 20 रुपये रख, मैं कल आकर तेरे को और 10 रुपये दे दूंगा। नेक्स्ट डे हुआ मैं स्कूल गया, मैं उसको 10 रुपये दे दिया, मैं बोला भाई शांत हो जा भाई, वो 30 रुपये ले लिया। फिर हुआ सब कुछ क्लास और मतलब स्कूल ओवर हुआ, तो जब छुट्टी हो गया स्कूल का तो मैं स्कूल से बाहर निकलता हूँ, तो मैं स्कूल से निकल रहा था, मैं रास्ता में रिक्शा का वेट कर रहा था घर आने के लिए। तो मैं देखता हूँ वो जो तीन बंदे थे टॉम राजू और टप्पू, वो लोग ग्रुप बनाकर मतलब जूम बनाकर प्लान बना रहे वहीं रेंडी खाना जाने का। वो लोग मेरे को नहीं देखे बट मैं उन लोगों को देख लिया था, मैं उन लोगों का बात सुन लिया था। तो मैं सुना कि वो लोग प्लान बना रहे वो ही 30 रुपये से रिक्शा भाड़ा करके वही रेंडी खाना जाने का। भाई उनको रेंडी खाने जाना था तो भाई मेरे को क्लियर ही बोल देते भाई, मैं शायद 10 की जगह 20 रुपये दे देता भाई, मैं भी संग में चला जाता उनके।